हेलो बच्चों, आज हम डाइपोल मोमेंट का टॉपिक लेके आए हैं और केमिकल बॉन्डिंग का ये 12th लेक्चर है और डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड आपको जितनी भी कंफ्यूजन है वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। हो सकता हो आपको डाइपोल मोमेंट पूरी तरह से आता हो, अगर आता है तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगर वो आते हैं तो इस वीडियो में आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला। जैसे मैं आपसे पूछूं इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है कौन सा मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। जैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछ लूं कि XeF2 SO2 CH3F CH3Cl इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको यहां पे मिलने वाले हैं, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो इस वीडियो में कोई नई चीज नहीं मिलेगी। मैं साथ में आपको सिखाऊंगा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि आपको पता है कोई भी बॉन्ड ना ही परफेक्टली कोवेलेंट होता है ना ही परफेक्टली आयनिक। तो किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है वो भी बताता है डाइपोल मोमेंट। तो मेरा नाम अलख पांडे और चैनल है फिजिक्स वाला और आज का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। शुरू करते हैं यार डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट टॉपिक आया क्यों? बेसिकली डाइपोल मोमेंट टॉपिक आया है इसके लिए, यस, टू फाइंड परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। शायद ऐसा ही एक टॉपिक आपने और पढ़ा था जो कि था फजांस रूल। फजांस रूल इसका उल्टा बताता है कि आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर, और डाइपोल मोमेंट से पता चलता है कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक जैसी चीजें हैं कि नहीं। जैसे मान लो कोई कोवेलेंट कंपाउंड है HF और यह भी कोवेलेंट कंपाउंड है HH। यहां आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, डेल माइनस डेल प्लस। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर। जिसमें पोल्स बन जाए पोलर। क्यों हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो कंपाउंड्स पोलर होते हैं, जहां डिफरेंस नहीं होता वो नॉन पोलर होते हैं। पर कंफ्यूजन तब पैदा हुई जब हमने मॉलिक्यूल देखा, कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है BF3। जब हमने मॉलिक्यूल देखा BF3, अब BF3 में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की ज्यादा, पर ये मॉलिक्यूल ओवरऑल निकल गया नॉन पोलर। मतलब पोलर नॉन पोलर डिसाइड करने के लिए सिर्फ प्लस माइनस देख के काम नहीं चलने वाला, ये पोलर नॉन पोलर डिटरमाइन करने के लिए हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, बोलेंगे क्या, डाइपोल मोमेंट। तो पोलर है कि नॉन पोलर है ये भी डाइपोल मोमेंट हमें बताता है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया, आप भी नोट्स में डालें कि डाइपोल मोमेंट किस लिए यूज होता है। पहली चीज परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड बताने के लिए। दूसरी चीज ये बताने के लिए कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड, कोई कोवेलेंट कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। तो यार डाइपोल मोमेंट जो हमारा होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो एग्जांपल ले लें हम HCl का, तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां थोड़ा सा चार्ज डेल माइनस, यहां थोड़ा सा चार्ज डेल प्लस। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है इसके लिए सिंबल कई लोग P लिखते हैं, कई लोग म्यू लिखते हैं, दोनों ही सिंबल सही हैं, वेक्टर साइन। आगे मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा तो उस पर टेंशन मत लेना, बार बार नहीं लिखूंगा। म्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों Q into D। Q क्या है? चार्ज ऑन एनी वन एटम, इन दोनों में से किसी भी एक एटम का चार्ज, और D क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो इनके ऊपर होने वाले चार्ज से, उससे निकलेगा डाइपोल मोमेंट। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे बनाते हम। ये साइन है डाइपोल मोमेंट का। कहां से कहां जाना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किस तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। हमेशा
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कई लोग इसको ऐसे समझते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ, तो जैसे आपको समझ में आए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या प्लस से माइनस होगा इसका डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन एक जगह और निकालना बताता हूं, जब लोन पेयर हो, अगर किसी एटम में आपको लोन पेयर दिखाई पड़ता है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये, एटम से लोन पेयर की तरफ। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो एटम से लोन पेयर की तरफ, अगर बॉन्ड है तो लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड नहीं है तो एटम से लोन पेयर की तरफ। ये था डायपोल मोमेंट, फॉर्मूला नोट करेंगे क्यू इन टू डी। अभी ये नहीं बताऊंगा कि चार्ज की यूनिट क्या रखनी है इसकी, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन ले लो टॉपिक का, इसके बाद बताएंगे कि इसकी यूनिट डिबई होती है, चार्ज को ईएसयू में रखते हैं। अभी फॉर्मूला क्यू इन टू डी और डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटम से लोन पेयर, कैसी क्वांटिटी है याद रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जजमेंट पास करना है कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर जिसमें पोल्स बने, नॉन पोलर जिसमें पोल्स ना बने, पोलर है या नॉन मॉलिक्यूल पोलर है, क्या चीज, मॉलिक्यूल, क्या चीज, मॉलिक्यूल, तो आपको चेक करना पड़ेगा नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट नहीं, नेट डायपोल मोमेंट, म्यू नेट। अगर म्यू नेट बच्चों जीरो आता है तो कंपाउंड हो जाएगा नॉन पोलर, मतलब कोई डायपोल मोमेंट टोटल उसके पास नहीं है तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर, और म्यू नेट अगर जीरो नहीं आता है तो कंपाउंड हो जाएगा पोलर। नोट करें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू की बात नहीं हो रही, म्यू नेट की हो रही, म्यू नेट जीरो नॉन पोलर, म्यू नेट नॉन जीरो मतलब पोलर। जैसे इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है जहां से मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहां पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, एक डाइपोल ये बनेगा प्लस से माइनस, एक डाइपोल ये बनेगा प्लस से माइनस, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस से मोर। अगर मैं पूछूं यहां पे म्यू नेट कितना है बच्चों, तो आपको भी दिख रहा है कि म्यू नेट की वैल्यू आने वाली है जीरो, भाई डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इंटू डी, दोनों तरफ देख रहे हो सिमिलर कंडीशन है तो वैल्यू तो सेम आएगी, और डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों कैंसिल होकर नेट डायपोल मोमेंट जीरो, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर। पर यहां देखो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि मॉलिक्यूल को अगर जज करना है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है तो आप ध्यान दोगे नेट डाइपोल मोमेंट पे, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट पे ध्यान नहीं दोगे। इस इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट को हम लोग बॉन्ड मोमेंट भी कहते हैं, नोट करेंगे इसको, क्या कहते हैं, बॉन्ड मोमेंट। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के पास बॉन्ड मोमेंट है, यस yes. एक ये एक ये, क्या इसके पास डाइपोल मोमेंट है, नो, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, कंपाउंड विल बिकम नॉन पोलर, बट इट स्टिल हैज बॉन्ड मोमेंट। तो हो सकता हो कंपाउंड में क्या मिले आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और उसके बाद भी कंपाउंड क्या हो जाए, नॉन पोलर। तो अब हम डेप्थ में जा रहे हैं टॉपिक के, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के बाद भी पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आए। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की तरह ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम प्रोसीड करते हैं बच्चों और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं, उन पे अपना जजमेंट पास करते हैं और खेल को खेलते हैं। तो मैं ऊपर एक कंडीशन बस लिख दे रहा हूं कि अगर म्यू आता है जीरो तो नॉन पोलर, और अगर म्यू आता है नॉट इक्वल टू जीरो तो पोलर। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें दो एटम हो, इसमें पहला आप नोट डालोगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मतलब जिसमें दोनों एटम सेम हो, जैसे H2 HH, जैसे Cl2 CCl, जैसे Br2 है ना BrBr, इनके बारे में क्या लगता है,
कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ तो डायपोल मोमेंट कितना आने वाला है, जीरो। ये हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर। तो अगर दो ही एटम है और दोनों एटम सेम है, होमो मतलब सेम, तो हमेशा वो क्या होंगे, नॉन पोलर, हमेशा नॉन पोलर। जैसे हम आपसे पूछें F2, तो आप सीधा बोल दोगे इट विल बी नॉन पोलर, क्योंकि दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन ना खींचेगा, ना इधर जाएगा ना उधर, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं। पर यहीं पे अगर मैं होमो एटॉमिक की जगह आपसे बात कर लूं हेट्रो एटॉमिक की, हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम्स, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जैसे HF, जैसे HCl, जैसे HBr, जैसे HI, कोवेलेंट बॉन्ड है सब में पर डिफरेंट एटम्स हैं। यहां पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, डेल माइनस डेल प्लस, यहां पे डेल माइनस डेल प्लस, यहां पे डेल माइनस डेल प्लस, यहां पे डेल माइनस डेल प्लस, मतलब इन सब के पास एक एक डाइपोल बनेगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, मतलब इन सब का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये सब कैसे हैं, पोलर। जब भी जीरो ना आए तो पोलर, तो कभी भी हेट्रोएटॉमिक हो। अब भाई दो एटम होगा, अगर दो एटम होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। दो डिफरेंट एटम्स अगर होंगे हेट्रो डिफरेंट, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। और इन्हें कैंसिल करने वाला भी यहां कुछ नहीं आ सकता, दो ही एटम है, तो डेफिनेटली इनका यूनिट जीरो नहीं होगा और हमेशा पोलर। तो याद रखेंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज पोलर, दो हेट्रोएटॉमिक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज पोलर। अगर दो एटम हैं और दोनों अलग अलग हैं तो हमेशा कंपाउंड, हमेशा कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। अब यहीं पे एक सवाल अच्छा उठता है कि मैं कह दूं इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4, मैं कहूं बताइए सबसे ज्यादा पोलर कौन है। चलिए बच्चों, सबसे ज्यादा पोलर कौन है, ऑर्डर क्या रहेगा, 1 2 3 4 की 4 3 2 1, 1 2 3 4 की 4 3 2 1, 1 2 3 4 की 4 3 2 1। कई लोग इस ऑर्डर को ले रहे होंगे 1 2 3 4, और कई लोग इसको ले रहे होंगे 4 3 2 1। चलिए बताइए, ज्यादातर लोग का कहना यह है 1 2 3 4। रीजन, तो रीजन उन्होंने बोला कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज ज्यादा खींच लेगा, तो यहां पे चार्ज ज्यादा होंगे तो डायपोल मोमेंट ज्यादा। ठीक है, मैं आपकी बात से थोड़ा सा एग्री करता हूं, पर डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q into D, मतलब चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है। तो ए लग रहा है, उनका कहना है कि भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और यहां पे ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए ज्यादा पोलर है। पर डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखो Q into D है, मतलब चार्ज पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी। आप देखो यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, यहां डिस्टेंस और ज्यादा होगा ब्रोमीन का साइज बड़ा, और यहां आयोडीन का साइज बड़ा। यानी अगर हम चार्ज फैक्टर को देखें कि चार्ज किस में बड़ा आएगा, तो डेफिनेटली फ्लोरीन पे बड़ा आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो चार्ज फैक्टर कहता है 1 > 2 > 3 > 4। और डिस्टेंस फैक्टर अगर हम देखें कि डिस्टेंस किस में ज्यादा होगा, तो भाई इसकी साइज बड़ी, इसकी और बड़ी, इसकी और बड़ी, वो बोलेगा 4 > 3 > 2 > 1। पर आपको डिसीजन जब लेना हो तो आप डिसीजन लेना चार्ज पे, किस पे लेना, चार्ज पे। एक एक्सेप्शन आएगा, लास्ट में बताऊंगा इसका भी, एक एक्सेप्शन आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो भी, है ना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में। पर हमेशा आप डिसीजन चार्ज पे ले लेना। तो चार्ज के हिसाब से क्या ऑर्डर हो जाएगा, जो आपने मारा था 1 2 3 4, ये सबसे ज्यादा पोलर, देन ये, देन ये, देन ये। चलिए अच्छा, अब मान लीजिए हम डायएटॉमिक से आगे बढ़कर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल पे पहुंचे, मतलब जिसमें दो से ज्यादा एटम्स हो, हम वहां पहुंच जाएं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। आइए बच्चों बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें दो से ज्यादा एटम हो। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड जो AB3 टाइप के हों, लाइक BF3, लाइक AB2 की बात करते हैं पहले, AB2 है ना, फिर AB3, तीन एटम हो गए, लाइक BCl2, लाइक CO2, लाइक C2H2, है ना। BCl2 यहां बेरिलियम, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन। तो आप देखो एक डाइपोल ये बनेगा, एक डाइपोल ये बनेगा, सही है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस से मोर। आपको दिख रहा है नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो, दैट मींस इट इज नॉन पोलर। ऐसे ही आप CO2 को देखोगे, C डबल बॉन्ड हो, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, कंपाउंड फिर से नॉन पोलर।
ऐसे ही आप C2H2 को देखोगे, ये क्या है, एल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्ड C H H, यही है इथाइन। तो इस बार ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा क्योंकि एटम्स क्या हैं, सेम। तो यहां पे भी देख रहे हो, एक इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट यहां पे भी जीरो और कंपाउंड हो गया नॉन पोलर। क्या समझ में आ रहा आपको इन सबसे? ये समझ में आ रहा कि अगर पॉलीएटॉमिक, नोट करेंगे, नोट बना के लिखेंगे, अगर पॉलीएटॉमिक सिमेट्रिक है, कैसा है, सिमेट्रिक, यहां देखो सब सिमेट्रिक थे, सिमेट्री थी सब में, सब कैसा है, सिमेट्रिक, और सराउंडिंग एटम्स सेम है, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, दोनों तरफ क्लोरीन, दोनों तरफ ऑक्सीजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन, देन म्यू नेट विल बी जीरो एंड कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। नोट करें इसको बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, जैसे ये तीनों सिमेट्री में थे, अभी और बड़े बड़े मॉलिक्यूल आएंगे पर रूल लिख लो, अगर सिमेट्रिक है, सराउंडिंग एटम्स अगर सेम है, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। कोई भी सिमेट्री हो, लीनियर हो, ट्राइगोनल प्लेनर हो, पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, कोई भी सिमेट्री हो, अगर सराउंडिंग एटम सेम है, टेट्राहेड्रल हो इवन, अगर सराउंडिंग एटम सेम है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो और कंपाउंड नॉन पोलर। इसमें एक कंडीशन होती है कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए, नो लोन पेयर, अगर लोन पेयर आ जाएगा तो फिर वो पोलर हो जाएगा, नो लोन पेयर। तो नोट करें इतना, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, सिमेट्री एंड देयर इज नो लोन पेयर, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, कंपाउंड नॉन पोलर। चलो धीमे धीमे करते जाओ, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, AB2 के कंपाउंड्स हो गए, अब AB3 के कंपाउंड्स देखो, बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, जैसे मैंने बात की कंपाउंड ऑफ द टाइप AB3, AB3 में जैसे हमारा आ गया BF3, ठीक है, BI3, ठीक है, BBR3, इस तरह के कंपाउंड्स आ गए। तो आप देख रहे हो ये भी सिमेट्रिक होते हैं, BF F F, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, सिमेट्री अलग बनी हुई है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। एक ये बनेगा लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक ये बनेगा लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक ये बनेगा लेस से मोर, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। यहां थोड़ा प्रूफ की जरूरत होगी, पिछली बार तो समझ में आ गया था। तो देखो एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये, म्यू 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 वैल्यू बराबर है क्योंकि एटम्स सेम है। अच्छा एक काम करते हैं, चेक करते हैं नेट जीरो आएगा कि नहीं। देखो ये एंगल पूरा कितना होता था, 120 है ना, 120 120 120, ये 90, ये कितना हुआ 30, तो म्यू का इधर कंपोनेंट म्यू कॉस 30, इस तरह से ये एंगल भी 30, म्यू का इधर कंपोनेंट म्यू कॉस 30, तो इस तरफ ने कैंसिल कर दिया। अब म्यू का इधर कंपोनेंट म्यू साइन 30, इस म्यू का इधर कंपोनेंट म्यू साइन 30, म्यू बाई टू, म्यू बाई टू, टोटल कितना हो गया म्यू, म्यू नीचे म्यू ऊपर, वो भी क्या हो गया कैंसिल। सो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो, कंपाउंड विल बी अगेन नॉन पोलर, अगेन नॉन पोलर। पर जरा देखना ध्यान से, अभी मैं एग्जांपल यहीं पे देता हूं, इसको मिटा लें। अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहीं पे और देता हूं और आपको दोनों के बारे में जजमेंट पास करना है। एग्जांपल है SO3 एंड SO2, दोनों पे जजमेंट पास करना है। SO3 का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, लुइस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया, हमने VSEPR देखा, हमने बहुत सी थ्योरीज देखी हैं, तो आपको स्ट्रक्चर तो याद हो गया होगा SO3 का। ये है कैसा है, सिमेट्री है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक दो तीन सिमेट्री है, आपको दिख रही है, एक दो तीन, सब कैंसिल हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, कंपाउंड नॉन पोलर हो जाएगा। जबकि सल्फर और ऑक्सीजन देखने में लग रहे हैं पोलर, बॉन्ड पोलर है पर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, ठीक है भाई, तो ये तो नॉन पोलर। SO2 के बारे में क्या कहना है, अगर SO2 का स्ट्रक्चर याद हो तो दो डबल बॉन्ड O और एक होता है लोन पेयर, तो सिमेट्री तो है, यहां यहां सिमेट्री तो है, पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। सो अगर लोन पेयर दिख जाए, अगर क्या दिख जाए, लोन पेयर दिख जाए, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा 90% केस में, इसका भी एक्सेप्शन करा देंगे। 90% केस में अगर लोन पेयर दिख जाए तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर। देखो समझो, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस से मोर, इनका रिजल्टेंट नीचे, और एक डाइपोल ये
एटम से लोन पेयर की तरफ, लोन पेयर का सिखाया था ना, एटम से लोन पेयर की तरफ। तो इस बार भी तीन बने, एक ऊपर और दो नीचे की तरफ, इस बार भी तीन बने मैं मानता हूं, एक ऊपर दो नीचे, पर इस वाले का डाइपोल मोमेंट इन दोनों से अलग होगा क्योंकि ये एटम सिमिलर नहीं है, यहां पे लोन पेयर वाला डाइपोल मोमेंट है। इसलिए अगर लोन पेयर दिख जाता है तो समझ जाओ नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आ सकता, और कंपाउंड कैसा निकलेगा, पोलर निकलेगा, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि इस वाले का डाइपोल मोमेंट इन दोनों से बराबर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपने ए बी थ्री देखा, अब बात करते हैं ए बी फोर। ए बी फोर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यस ए बी फोर, ए बी फोर लाइक 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 सी सी एल फोर, ये बहुत पूछा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत पूछा जाता है, सी सी एल फोर लाइक 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 सी एच फोर लाइक 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 एस आई एफ फोर, ये सारे कंपाउंड्स, इन सब की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब देखने में लग रहा है सी सी एल का बॉन्ड पोलर है, जो कि है भी, सी सी एल का बॉन्ड कैसा होता है, पोलर, पर ओवरऑल इस कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो। व्हाई? अब रूल याद कर लो, बिकॉज देयर इज सिमेट्री, बिकॉज सराउंडिंग एटम्स आर सेम, बिकॉज लोन पेयर एब्सेंट है, लोन पेयर होता तो कहानी चेंज होती, हमने सारी कहानी देखी, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन पोलर, सिमिलरली ये भी नॉन पोलर, सिमिलरली ये भी नॉन पोलर, क्लियर हो गया, इसमें अंदर जाके कोई चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है। पर यही पे एक क्वेश्चन आता है, क्या ये कंपाउंड नॉन पोलर होगा या ये कंपाउंड नॉन पोलर होगा, क्या ये कंपाउंड नॉन पोलर होगा, क्या कहते हैं इनके बारे में, इन सब कंपाउंड के बारे में क्या कहना है, क्या ये नॉन पोलर होगा, नहीं नहीं होगा, क्यों, सिमेट्री नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम कहां है, तीन हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, एक हाइड्रोजन तीन क्लोरीन, दो हाइड्रोजन दो फ्लोरीन, तो यहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो है बट सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो ये सबके सब कैसे निकल जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, क्लियर है, क्यों पोलर, क्योंकि एटम सराउंडिंग सेम नहीं थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ए बी फोर भी हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है ए बी फाइव टाइप का, बहुत एग्जाम्पल्स हैं अभी, करते जाओ, है ना, टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसमें ऑर्गेनिक वाला पोर्शन थोड़ा अभी हम कम कराएंगे क्योंकि आपने ऑर्गेनिक हमसे नहीं पढ़ी है, तो हम ऐसा नहीं कि बीच से जम करके ऑर्गेनिक के सवाल भी कराएं, वरना ऑर्गेनिक में भी इसके बहुत सवाल हैं, थोड़े बहुत करा देंगे। ए बी फाइव लाइक पी सी एल फाइव लाइक पी आई फाइव, इस तरह कंपाउंड, पी सी एल फाइव कैसे बनता है, सी एल सी एल सी एल, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, याद हो तो, याद आ गया, ये तीनों इन द सेम प्लेन, फिर एक सी एल ऊपर एक सी एल नीचे, याद आया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, बहुत बार बातें हो चुकी हैं सब। तो अब देखो, तुम्हें पता है, तुम्हें पहले से पता है म्यू नेट कितना आएगा, जीरो, पर देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है बीच में सेम प्लेन में, तो इसका तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, फिर एक ऊपर एक नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब ओवरऑल कोई डाइपोल मोमेंट बचेगा ही नहीं। ये वाला तो अभी देखा था BF3 में, है ना, म्यू 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर एक ऊपर एक नीचे, वो भी क्या हो गया, आपस में कैंसिल, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, कंपाउंड बिकम्स नॉन पोलर इन नेचर, ए बी फाइव। अच्छा, अब इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ए बी फाइव में ही, ए बी फाइव में ही, ए बी सिक्स पे चलते हैं, अच्छा फिर कराता हूं सवालों को, ए बी सिक्स, ए बी सिक्स, ए बी सिक्स, ए बी सिक्स, जैसे एस एफ सिक्स, एस एक दो तीन चार एफ एफ, तो दिख ही रहा है बढ़िया सिमेट्री है, सारे डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दिखाई पड़ रहा होगा, एक डायपोल ये बनेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, एक डायपोल ये बनेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो, कंपाउंड विल बिकम नॉन पोलर, जबकि सल्फर और फ्लोरीन का बॉन्ड पोलर था। ठीक, तो इस तरह से यार बढ़ते सकते हैं, बस आपको समझना है सिमेट्री हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, लोन पेयर ना हो, तो कंपाउंड विल बी व्हाट, नॉन पोलर। चलिए मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट वाटर, बी NH3 अमोनिया, सी CH3O CH3 दैट इज ईथर, इन कंपाउंड्स के बारे में आपका क्या व्यू है, ये पोलर होंगे कि नॉन पोलर। वाटर का स्ट्रक्चर आपको याद है, ओ एच एच, लोन पेयर लोन पेयर, तो सीधा क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है द कंपाउंड विल बी पोलर, म्यू नेट
कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. देखो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा डाइपोल, फिर एक ये डाइपोल, एक ये डाइपोल, एटम से लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर. यहां गलत बना दिया ना, यहां क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर है. यहां पे चार है पर चारों ऐड होके जीरो नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते. ध्यान से देखो, वाटर केस में जीरो हो ही नहीं सकते. जरा ध्यान से देखो, ओ एच एच जुम्बा जुम्बा. एक ये बना, एक ये बना, फिर ऑक्सीजन से लोन पेयर, फिर ऑक्सीजन से लोन पेयर. तो देखो ये दोनों इधर जा रहे हैं, ये दोनों इधर, मतलब ऐसे और ऐसे, मतलब ये आएगा इसका नेट डाइपोल मोमेंट. ये दोनों मिलके इस तरफ भाग रहे, ये दोनों इस तरफ, तो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा किसी तरफ, कैंसिल नहीं हो रहा, नॉट इक्वल टू जीरो. और पहले भी मैंने बोल दिया लोन पेयर प्रेजेंट है तो इट इज पोलर. जैसे अमोनिया की बात करें, NH3, NH3, N, H, H, H और ये लोन पेयर. चलो क्या कहते हो, एक डाइपोल ये बनेगा लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक ये, एक ये और एक ये बन जाएगा एटम से लोन पेयर. आप देख रहे हो ये चारों भी किसी तरह से कैंसिल नहीं हो रहे, ये तीनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ऊपर की तरफ होगा, विच कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, हेंस द मॉलिक्यूल अमोनिया इज पोलर. सी एच थ्री, ओ सी एच थ्री, सेम कहानी है, ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री, लोन पेयर, लोन पेयर. तो यही वाली कहानी यहां रिपीट हो जाएगी. नेट डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ दिख रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, द मॉलिक्यूल इज पोलर. समझ में आ रहा है, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, एक ये, एक ये, सब ऐड होके किधर जा रहे, ऊपर की तरफ जा रहे. तो अगर आपको कंपाउंड में लोन पेयर दिखता है, नोट में डालेंगे, अगर लोन पेयर दिखता है तो सीधा आंसर क्या बोलोगे आप, कंपाउंड विल बी पोलर. ठीक है, मैंने एग्जांपल करा दिया, SO2 का भी कराया था, वहां पे कैंसिल होने के चांस थे फिर भी कैंसिल नहीं हो पाया था. SO2 फिर से देख लो, SO2 अब की बार लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर. तो एक ये, एक ये और एक एटम से लोन पेयर. तो यहां लग तो रहा है कि तीनों के डायरेक्शन अलग अलग है, कैंसिल हो जाएगा, पर ये तीनों म्यू सेम नहीं है, जिसकी वजह से इसका भी म्यू नेट जीरो नहीं आएगा और ये भी पोलर हो जाएगा. क्लियर है. अच्छा अब जरा देखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू दिस रूल, एक्सेप्शन टू दिस रूल, एंड एक्सेप्शन टू दिस रूल इज XCF2. XCF2 में कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं, क्या निकालोगे. Z इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 8 प्लस मोनोवेलेंट एटम. मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. याद है, Z इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम्स. अभी प्लस माइनस नहीं लिख रहा, उसकी जरूरत नहीं है. मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होते हैं, सराउंडिंग एटम्स में हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो. तो यहां देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, सेंट्रल एटम तो यही रहेगा, और मोनोवेलेंट कितने हैं, 2, 10 बाई 2 कितना आया, 5. तो टोटल 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लिया हमने, 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 3 लोन पेयर. तो मतलब 3 लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर. 2 तो बॉन्ड बनने हैं फ्लोरीन फ्लोरीन से, 5 टोटल आ रहा था, तो 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर. तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. कंसेप्चुअल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल याद है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था PCL5 के लिए, है ना, 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे. अब यहां पे 3 लोन पेयर है, लोन पेयर आपको पता है इन पोजिशन पे लगाए जाते हैं, और यहां लग जाएगा F, यहां लग जाएगा F और ये XZ. अब बताओ इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो की नॉन जीरो, बोल भाई जीरो की नॉन जीरो. मेरे ख्याल से तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा जीरो, क्योंकि ये तीनों लोन पेयर एक दूसरे तीसरे को कैंसिल कर सकते हैं. इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, इधर भी, यानी ये म्यू, ये म्यू, ये म्यू क्या होगा, बराबर, जिसकी वजह से कैंसिल होकर म्यू नेट ये वाला जीरो. ऊपर एक म्यू ऐसे, नीचे एक म्यू ऐसे, ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, कंपाउंड बिकम्स नॉन पोलर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लोन पेयर. तो एक एक्सेप्शन भी मैंने आपको करा दिया, हो सकता हो कंपाउंड के पास लोन पेयर हो फिर भी कंपाउंड नॉन पोलर टर्न हो जाए, लाइक XZF2. क्लियर हुआ, जेड वगैरह कैसे निकाला, लोन पेयर कैसे निकाला, ये सारी चीजें क्लियर हुई.
तो हो सकता हो लोन पेयर हो फिर भी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो, एक्सेप्शन दिखाए मैंने. लाइक सिमिलर यू कैन सी द एक्सेप्शन ऑफ XZF4. जेड निकालोगे 8 और ये कितना हो जाएगा 4. 12 बाई 2 कितना आया 6. 4 एटम है और ये 6 आ रहा, मतलब 2 लोन पेयर होंगे 4 बॉन्ड पेयर. 6 आ रहा ना, 4 बॉन्ड पेयर और बचे हुए 2 लोन पेयर. तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल. क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी कि नहीं? 6 पे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल. तो ऑक्टाहेड्रल पे कैसे बनाओगे? ये रहा एक्सी, 1 2 3 4 5 6. अब आप देखो फ्लोरीन 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 लोन पेयर लोन पेयर. यहां पे भी आपको दिख रहा है नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0. सिमेट्री दिख रही है ना, नेट डाइपोल मोमेंट 0. कंपाउंड इज नॉन पोलर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लोन पेयर. तो ये दो एक्सेप्शन थे XZF2 एंड XZF4, जहां पे लोन पेयर तो है पर फिर भी कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर है. तो इस तरह से वेरियस एग्जांपल किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड आपको स्ट्रक्चर पता हो. जैसे थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक के अंदर अब घुसने की कोशिश करता हूं, यहीं से थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं. अभी एक रूल आपको समझ में आ गया, अगर सिमेट्री है, अगर सराउंडिंग एटम सेम है और लोन पेयर नहीं है तो नेट डाइपोल मोमेंट 0, चाहे ट्राइगोनल प्लेनर हो, चाहे 4 आके टेट्राहेड्रल हो, चाहे 5 आके पेंटागोनल बाईपिरामिडल, चाहे 6 आके ऑक्टाहेड्रल. थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता हूं, स्ट्रक्चर में बना देता हूं, आप अपने आप आंसर बताना. ये ए ये बी, आप बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ए का कि बी का? ए का कि बी का? जल्दी से आंसर दें, ए का कि बी का? चलो इस बॉन्ड को देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें? कार्बन. लेस कौन है? हाइड्रोजन. तो एक डाइपोल ये, यहां पे एक डाइपोल ये, ये दोनों डाइपोल अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल. यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन लेस कार्बन, एक डाइपोल ये एक डाइपोल ये, दोनों अपोजिट कैंसिल, सो नेट डाइपोल मोमेंट इज 0. यहां पे आओ, एक ये फिर एक ये, सब ऐड होके किधर जा रहे हैं? ऊपर. सो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस विल बी पोलर, दिस विल बी नॉन पोलर. कोई आपसे पूछे दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, आप बोलोगे बी का. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सिस और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्रांस. ट्रांस जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो. सिस जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड हो. तो हम एक यहां पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस. सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से बड़ा होता है. ऑलवेज पता नहीं, ऑलवेज का तो कुछ गारंटी नहीं ले सकते. चलिए इसी एग्जांपल को मैं चेंज करता हूं, एक और एग्जांपल यहां पे आपको देता हूं सिस ट्रांस का ही. तो सिस ट्रांस का एक और एग्जांपल आप यहां पे ले लीजिए. जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H A B. आपको दिख रहा है A वाला कौन सा है इस बार? सिस. दो सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये क्या हो गया? ट्रांस. बताइए किसका डाइपोल मोमेंट 0 किसका नॉन 0? यहां पे एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, लेस से मोर. अब ये दोनों कार्बन है तो इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जिसके पास डबल बॉन्ड. जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये बना एक लेस से मोर और एक ये बना लेस से मोर. तो आप देख रहे हो ये जीरो तो नहीं आ सकता क्योंकि इनका डायपोल मोमेंट इनसे अलग होगा तो एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे. इन एनी केस म्यू नेट विल बी नॉट इक्वल टू 0. भाई ये वाला अलग होगा, ये वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल होंगे, ये कम होंगे. फिर यहां पे आओ, यहां पे एक बनेगा आपका लेस से मोर, ये एक बनेगा, ये लेस से मोर, एक बनेगा ये लेस से मोर, एक बनेगा ये लेस से मोर. आप देख रहे हो चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, यानी ट्रांस का नेट डायपोल मोमेंट 0. तो ट्रांस हो गया नॉन पोलर और सिस हो गया पोलर. किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, सिस का कि ट्रांस का? सिस का ज्यादा है ट्रांस से. तो नोट में डालेंगे द डायपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर, ये आइसोमर है एक दूसरे के, आइसोमर तो समझ रहे हैं ना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, इनका स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग है. पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये चीज. एनीवेज ये आइसोमर है तो समझ में आ रहा होगा.
तो सिस आइसोमर हैज मोर डायपोल मोमेंट देन ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर हैज मोर डायपोल मोमेंट देन ट्रांस आइसोमर, हैशटैग नॉट ऑलवेज, हैशटैग नॉट ऑलवेज, हैशटैग नॉट ऑलवेज, हैशटैग नॉट ऑलवेज। सी अभी इसका एक्सेप्शन देख लो, हमेशा हो जरूरी नहीं है। देखिए देखिए यहां सिस कौन सा है, इस वाले को सिस बोल सकते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड है, सिस बी वाला। और ट्रांस कौन सा है, ए वाला, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, ट्रांस। अब बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा और किसका कम, किसका ज्यादा और किसका कम। चलिए यहां पे एक डाइपोल हाइड्रोजन से कार्बन ऐसे, एक हाइड्रोजन से कार्बन ऐसे, कैंसिल। ओके, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड वाला कार्बन, एक डाइपोल मोमेंट ऐसे। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो लेस से मोर ऐसे, यानी इस बार ट्रांस का जीरो नहीं आया। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, पर ये दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, दिख रहा है इस बॉन्ड में, लेस से मोर इधर, ये दोनों किस में गए, सेम डायरेक्शन में, लेस से मोर, यानी नेट डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इवन इट इज अ ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है, ये बात रॉन्ग है, ये बात रॉन्ग है, ट्रांस का हमेशा जीरो नहीं होता। चलो सिस को देखते हैं, एक डायपोल मोमेंट ये, एक डायपोल मोमेंट ये, एक डायपोल मोमेंट ये, एक डायपोल मोमेंट ये, सही है, लेस से मोर, लेस से मोर, लेस से मोर। आप यहां पे देखो तो डायपोल मोमेंट इससे तो कम आने वाला है, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये वाला इसके साथ ऐड हो रहा है, पर ये बहुत ही कमजोर डायपोल है एज कंपेयर टू दिस वन, ये वाले एक दूसरे को कैंसिल, और इसकी वजह से कुछ कंपोनेंट बचेगा भी, मतलब यहां जो भी नेट आएगा इनको तो आप छोड़ दो, वीक हो गए, ये स्ट्रांग हुए, एक ऐसे तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब ये ऐसे ऐड हो रहे हैं यहां पे इस एंगल पे, ये वाला और ये वाला डोमिनेट करेगा, इनको आप लीव कर सकते हो, ये वाला और ये वाला, ये और ये कुछ ऐसे ऐड हो रहे हैं, और यहां एडिशन कैसा है, ये और ये। मान लो इस डायपोल मोमेंट को मैं म्यू वन बोलूं, इस डायपोल मोमेंट को मैं म्यू टू बोलूं, मतलब सी एच थ्री वाले को म्यू वन और सी एल के साथ वाले को म्यू टू, तो यहां पे ये रहा म्यू वन, ये रहा म्यू टू, सी एल वाले को क्या बोला है म्यू टू, यहां पे ये रहा म्यू टू, ये रहा म्यू वन, बताओ कहां पे सम ज्यादा आएगा। आपने वेक्टर पढ़ रखा होगा, ये दोनों वेक्टर ज्यादा ऐड होकर रिजल्टेंट देंगे कि वो डेफिनेटली ये, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, जीरो डिग्री। सो डेफिनेटली इस बार क्या होगा, म्यू नेट किसका, ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा, किससे, सिस से। ये तो समझ में आ रहा है ना, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इन दोनों से कम आएगा, सीधे सीधे ऐड हो रहे हैं, ये किसी एंगल पे ऐड हो रहे हैं। सो यू कैन नॉट से डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, होता है बट डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, ऑन द केस। 90% केस में ऐसा हो जाएगा, बट 10% में ऐसा नहीं होगा, जो एग्जाम्पल मैंने आपको सिस ट्रांस का दिखाया। अच्छा, थोड़ा सा और बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, ज्यादा ऑर्गेनिक की बातें नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई है, और उसको पढ़ाए बिना हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक की स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक की डिटेलिंग आपसे डिस्कस करेंगे तो आप पागल हो जाओगे। फिर भी हम थोड़ी बहुत डिस्कशन जरूर करते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम आप सब जानते हैं, बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। अच्छा, मैंने एक सी एल यहां लगाया बेंजीन में, और एक सी एल यहां लगाया ए, फिर एक और बेंजीन लिया मैंने, एक सी एल यहां लगाया, एक सी एल यहां लगाया बी, फिर एक और बेंजीन लिया मैंने, एक सी एल यहां लगाया, एक सी एल यहां लगाया सी। अब आप इनको पोलैरिटी में अरेंज करिए या डायपोल मोमेंट में अरेंज करिए, जैसे भी, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतनी ज्यादा पोलैरिटी, पोलैरिटी में या डायपोल मोमेंट में अरेंज करिए। देखिए यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, चलिए अरेंज करिए ए बी सी या सी बी ए, ए बी सी, पॉज करके वीडियो को, पॉज करके ए बी सी या सी बी ए, या बी कहीं आएगा बी ए सी, कुछ भी, एक दो तीन चार, अपने ऑर्डर लिख लिया। चलिए आए देखिए, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, लेस ये, तो एक म्यू ये, एक म्यू ये, दोनों सेम होंगे क्योंकि एटम सेम है, तो म्यू और म्यू। देखो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 80, तो ये कितना है 60, जैसे ये 60, ये 120, ये 180, तो यहां पे एक म्यू ये रहा, एक म्यू ये रहा, एंगल कितना हुआ 120।
यहां पे एक म्यू ऊपर एक म्यू नीचे, सो म्यू म्यू एंगल कितना हुआ 180। यहां पे देखो ये म्यू लेस से मोर। अब आप बताओ किसमें रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आएगा, मेरे ख्याल से इसमें, इसमें तो कुछ कैंसिल हो जाएगा और फिर उसमें, मतलब ऑर्डर क्या होगा ए बी सी। तो मैंने बोल रखा था कि नेट डायपोल मोमेंट चेक करो, मैंने बोल रखा था डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर वाली एडिशन भी यहां पे यूज कर सकते थे। आप जानते हो 120 डिग्री में आंसर कम आता है, 60 डिग्री में आंसर ज्यादा आता है। कैलकुलेशन करने का तरीका याद है, म्यू नेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, कॉस कितना रख दोगे 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर, तो यह आ जाएगा रूट 3 म्यू। इस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे ये तुम्हारा आग निकल के आएगा म्यू, और इसको कैलकुलेट करोगे ये तो निकल के आ जाएगा कितना 0, कैंसिल हो जाएगा। कर लेना फॉर्मुला याद है ना, म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा रख के देख लेना, वैसे देखने में भी समझ में आ रहा है इसका ज्यादा आएगा इसका कम और इसका उससे भी कम। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, और यहां तो दिख रहा है अपोजिट साइड लगे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर था, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला कैसा था नॉन पोलर, बाकी दोनों पोलर थे। बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब लोग ट्राई करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, Which of the following is non-polar? इसमें से non-polar कौन सा है आपको decide करना है। Non-polar कौन सा है? Non-polar मतलब net dipole moment zero. यहाँ देखो एक dipole है, तो इसकी तो बात नहीं हो सकती, ये तो option गया। Non-polar कौन सा है? Non-polar मतलब net dipole moment कितना आ जाए zero. अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? एक mu ऐसे, एक mu ऐसे cancel हो गया, mu net कितना आया zero, तो कैसा हो गया ये भी non पोलर। ओए होए मिल तो गया आंसर बी, नहीं मिला। एक म्यू ऊपर यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन, एक म्यू नीचे कैंसिल, ये वाले में क्या कहते हो कार्बन कार्बन, एक म्यू ऊपर एक म्यू नीचे कैंसिल, नेट डायपोल मोमेंट जीरो, कैसा हो गया नॉन पोलर। इसके बारे में क्या कहते हो, ये तो कैंसिल नहीं होगा, एक म्यू इधर है ना, कितने पे 120 डिग्री पे आंसर कितना आएगा म्यू, तो इसका तो कुछ आएगा रिजल्टेंट, दैट इज दिस विल रिमेन पोलर, दिस विल रिमेन पोलर। तो क्या ये मल्टीपल करेक्ट है? नहीं, ये सिंगल करेक्ट है। अब बोलो ये सिंगल करेक्ट है। देखो समझो कहानी, जो बेंजीन होता है, ये बेंजीन, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये प्लेन में है, ये सीएल सीएल इसी प्लेन में ऐसे लगे हुए हैं, ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन है, ये प्लेनर नहीं है, यहां वाला कार्बन प्लेनर नहीं है, ये सीएल ऊपर उठा हुआ है, ये सीएल नीचे गया हुआ है, समझ रहे हो, एक सीएल ऐसे ऊपर है एक सीएल ऐसे नीचे है, तो एक का डायपोल मोमेंट इधर भागेगा और एक का डायपोल मोमेंट किसी और डायरेक्शन में भाग रहा, इन द सेम डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। बेंजीन में सीएल सीएल ऐसे थे, कैंसिल हो गया, पर यहां पर सीएल सीएल ऐसे नहीं थे। दिस इज नॉट अ प्लेनर, नॉट अ प्लेनर, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे इसके शेप, साइक्लोहेक्सेन के बहुत अलग अलग शेप होते हैं, तो नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, शायद आपने पढ़ रखा हो चेयर फॉर्म बोट फॉर्म है ना, नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, तो दोनों सीएल सीएल ऑपोजिट नहीं है, टू सीएल आर नॉट ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं है तो म्यूनिट जीरो नहीं होगा और कंपाउंड कैसा निकल गया पोलर। तो भाई साहब ये आंसर नहीं होगा, आंसर सिर्फ सी होगा, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है, नॉन प्लेनर है, याद रखना है नॉन प्लेनर है और पोलर नॉन प्लेनर है, दोनों क्लोरीन अपोजिट नहीं है, तो कैंसिल मत कर देना झटके में, पहचानना कि बेंजीन है कि साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर, एक प्लेन में है, प्लेनर, सीएल सीएल साइड साइड में, दो सीएल अपोजिट हैं, टू सीएल आर अपोजिट, इसलिए कैंसिल हुआ। क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, और करेंगे सवाल, बस हो गया पक्का,
पक्का बोल भाई पक्का। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और, एक और आखिरी। चलो which of following is non polar? ऑप्शन ए ऑप्शन बी सी ऑप्शन डी। Which of following is non-polar? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए ए बी सी डी में से, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन नहीं। वीडियो को पॉज करिए, खुद से डिसाइड करिए कौन सा ऑप्शन इसमें से non-polar है। non-polar मतलब जिसका म्यू नेट जीरो है। देखिए एक आंसर आ रहा कि फिर से दो आंसर आ रहा, एनालाइज करिए खुद से। एक दो तीन चार स्टार्ट करता हूं मैं, मेरे ख्याल से आपने पॉज करके एनालाइज कर लिया होगा। चलो इसकी बात करें तो याद आ रहा होगा ये ट्रांस है, एक ऐसे बनेगा कैंसिल। इस कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, ये कंपाउंड हो गया नॉन पोलर। चलो पहला ही ऑप्शन मिल गया करेक्ट। ऑप्शन बी ये तो पोलर निकलेगा, आपको पता है ऐसे ऐसे हाइड्रोजन ऐसे ऐसे ऐड होके ऐसे, सो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो निकल गया पोलर। बहुत बढ़िया। सी वाले की बात करें, कार्बन कार्बन एक ऊपर ऐसे एक नीचे ऐसे, भाई इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन है ना, तो एक ऊपर ऐसे एक नीचे ऐसे, यानी म्यू नेट कितना हो गया इसका जीरो, मतलब नॉन पोलर। अच्छा ये भी आंसर है। फिर डी पे आते हैं, इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड सबसे कम, डबल बॉन्ड उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक ये बनेगा, इन दोनों में एक ये बनेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि म्यू वन म्यू टू की वैल्यू अलग अलग होगी, एटम्स अलग अलग हैं, सो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंपाउंड विल रिमेन पोलर। सो आर देयर टू आंसर और जस्ट वन आंसर, क्या ये मल्टीपल करेक्ट है कि सिंगल करेक्ट है? तो मैं फिर से बताता हूं, ये भी सिंगल करेक्ट था, यानी दोनों आंसर सही नहीं। पहला वाला ध्यान से देखो सही है, सीएल सीएल, एक इधर कैंसिल, एक इधर कैंसिल, एकदम सही, क्योंकि क्या है ट्रांस, जनरली ट्रांस का डायपोल मोमेंट कितना आ रहा था जीरो आ रहा था जनरली, हमने दो तीन केस लेके देखे थे। सी वाले पे ध्यान दो, सी वाला ऐसा दिखता नहीं होगा, तुमने बना दिया। सी वाले का शेप पूरा देखो, ऑक्सीजन अकेला नहीं है उसके साथ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन अकेला नहीं उसके साथ हाइड्रोजन भी है। तो भाई साहब एक डाइपोल ये बना, एक डाइपोल ये बना, मानता हूं ये दोनों डाइपोल आपस में कैंसिल, पर इस बॉन्ड में भी तो डाइपोल बनेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक डाइपोल ये एक डाइपोल ये दोनों तो कैंसिल हो गए, पर ये दोनों डाइपोल ये और ये देखो ऐड होके इधर म्यू नेट दे रहे हैं, दैट मींस म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंपाउंड इज पोलर, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर हुई बात? आप सोच रहे थे ओ ओ जुड़ा है पर ओ से एच एच भी तो जुड़ा है, आप सोच रहे थे ओ ओ जुड़ा है पर ओ से एच एच भी तो जुड़ा है, ये वाला डाइपोल कैंसिल हो गया पर ये और ये ऐड हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दिमाग चलाते रहना है, स्ट्रक्चर सोचते रहना है, तभी आंसर सही आएगा। चलिए भाई तो ये तो बातें थी कंपैरिजन ऑफ डाइपोल के ऊपर, एक दो अच्छे सवाल ले लेता हूं कंपैरिजन में। लिखिए नोट डाल लीजिए, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ पहला कर लेते हैं हाइड्राइड्स ऑफ फोन, इनकी हाइड्राइड की बात करते हैं, तो HF ऑक्सीजन की हाइड्राइड H2O, नाइट्रोजन की हाइड्राइड NH3, इनको कंपेयर करना है किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा।
तो बिना किसी डाउट के हम आपको बताते हैं HF greater than H2O greater than NH3 because of electronegativity difference, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम. Next, next, hydrides of group 16, group 16, O style से तेल पॉलिश, यहाँ तक लेते हैं. तो ऑक्सीजन के साथ H2O, सल्फर के साथ H2S, सेलियम के साथ H2SE, टेल्यूरियम के साथ H2TE. ऑर्डर क्या होगा? H2O greater than H2S greater than H2SE greater than H2O. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डोमिनेट. साइज फैक्टर या डिस्टेंस फैक्टर देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा है, पर हम किसको कंसिडर करेंगे? चार्ज फैक्टर को कंसिडर करेंगे. नहीं, क्लियर हुआ? चार्ज फैक्टर कंसिडर किया. देखो, चार्ज इस वाले में ज़्यादा आएगा, पर डी अगर देखो तो D इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि साइज सबसे बड़ी. बट हम चार्ज को कंसीडर करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस को, और ये ऑर्डर बनेगा. अब इसी में जो ऑप्शन सी आने वाला है वही बहुत कंफ्यूजिंग है और पेपर में पूछा भी जा रहा है. सो आई एम कमिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन फेस. सी हरी ली 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 सी एच थ्री एफ सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री बी आर सी एच थ्री आई. यहां आपको पता है डाइपोल मोमेंट एक ही बॉन्ड से आ रहा है, बेसिकली सी और एफ से. अच्छा, यानी यहां पे सी एफ से आएगा, यहां पे सी सी एल से आएगा, यहां पे सी बी आर से आएगा, यहां से सी आई से आएगा. कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड उतना पोलर नहीं होता है जितना ये सब है. अच्छा, अगर हम चार्ज फैक्टर को देखें, चार्ज फैक्टर के हिसाब से ये डोमिनेट करना चाहिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो चार्ज फैक्टर इसको सपोर्ट करता है. और डिस्टेंस फैक्टर को देखें तो वो इसको सपोर्ट करता है, सी आई को. अब आपको मैं एक क्लिकिंग पॉइंट बताता हूं कि डायपोल मोमेंट हमारे हाथ का खेल नहीं है, डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से पता होता है. यानी हम जो बोले वही सही हो जरूरी नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट्स होंगे तब हम उसके बाद अपना रिजल्ट बनाएंगे. एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम बोलेंगे अच्छा ये भी रीजन हो सकता था, चलो ये एक्सप्लेनेशन हो सकता था. दिस होल केमिस्ट्री इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड देन एक्सप्लेन्ड. फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में हम जो चीज पहले सोचते हैं फिर उसको करते हैं, केमिस्ट्री में जो हो जाता है उसको एक्सप्लेन करते हैं. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, होना तो ये चाहिए था ऑर्डर क्योंकि डोमिनेट क्या करना चाहिए? चार्ज फैक्टर, करता भी है, पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है. एक्सेप्शन होता है सी सी एल वाला पहले आ जाता है, देन सी एफ, देन सी बी आर, देन सी आई. दैट मीन्स इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा गिवन में? सी एच थ्री सी एल सबसे पहले, फिर सी एच थ्री एफ, फिर सी एच थ्री बी आर, फिर सी एच थ्री आई. इन दोनों में बड़ी तगड़ी फाइट हो जाती है. इसके पास चार्ज फैक्टर ज्यादा है, इसके पास डिस्टेंस फैक्टर ज्यादा है, और क्योंकि दोनों का चार्ज डिस्टेंस दोनों ही करीब करीब सेम है. भाई इसका चार्ज ज्यादा होता है, डिस्टेंस के हिसाब से इसकी साइज छोटी, इसका साइज बड़ा है पर चार्ज छोटा, पर ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट मिलाकर ये जीत जाता है इससे. एक एक्सेप्शन है यहां पे, बाकी सेम सीरीज रहेगी. होना क्या चाहिए था? चार्ज को डोमिनेट करना चाहिए था, ये आना चाहिए था. यहां पे एक स्विच हो जाता है क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन में बड़ी फाइट चलती है, और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा ये सही निकलता है. तो इसको नोट करेंगे. और लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन और है कंपैरिजन का, जो कि जेई में आया हुआ है और एनसीईआरटी में भी दिया रहता है, सारी किताबों में मेंशनड है. कर लिया क्वेश्चन, अब आपके लिए खैर वो क्वेश्चन हलवा है क्योंकि मैंने आपको टॉपिक काफी डिटेल में बता दिया. उसके बाद भी अगर आप उसको गलत करते हो तो कसम से बहुत बड़े बेवकूफ हो आप, और मैं भी जो आपको पढ़ा रहा हूं. ये मिलेंगे मुझे 5-6 कमेंट इस लाइन पे. Which is more polar? Which is या which has more dipole moment? या ये भी बोल सकते हो which is more polar? NH3 or NF3? NH3 और NF3 में ज्यादा पोलर कौन है? तो यार पहली नजर में तो NF3 ही लगता है सबको, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो हमको लगता है कि NF3 डेफिनेटली NH3 से ज्यादा पोलर होगा. पर अगर आप दिमाग वाले हो तो आप स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि आपने देखा कि म्यू नेट की कहानी होती है सारी. चलो स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह से NF3 का स्ट्रक्चर NF लोन पेयर. डायपोल मोमेंट बताइए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, एटम से लोन पेयर, यही होगा. यहां बताइए,
इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन. इन दोनों में लेस कौन है? नाइट्रोजन. भाई फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एटम से लोन पेयर. यहां देखो चारों डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है. एक ऐसा है ये वाला, एक ऐसा है ये वाला, एक सीधे जा रहा ये वाला, और ये भी सीधे जा रहा. यहां चारों को देखो, एक ऊपर जाना चाहता है और तीन नीचे जाना चाहते हैं, मतलब यहां कुछ कैंसिलेशन होगा. अब बताओ इन दोनों में से किसका नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा? डेफिनेटली इसका आएगा, क्योंकि इसके सारे इंडिविजुअल डाइपोल ऐड हो रहे हैं, इसमें एक डाइपोल बाकी तीन को कैंसिल करना चाह रहा. दैट इज द रीजन NH3 हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन NF3, और NH3 इज मोर पोलर देन NF3. JEE में पूछा हुआ था, तो आप बता सकते हो क्या होता है. यहां पे NF वाले डाइपोल का डायरेक्शन N और लोन पेयर के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, तो डाइपोल कैंसिल होते हैं. यहां पे सभी डाइपोल का डायरेक्शन सेम होता है, तो नेट डाइपोल बढ़ जाता है. चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट. ये सारा एनालिसिस वाला पार्ट खत्म हुआ. अब जो हम पार्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, ये बात कौन बताता है? डाइपोल मोमेंट. तो चलिए अब अपन इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं, इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट, जो कि था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. इसका उल्टा आप पढ़ चुके हो. आज हमें पढ़ना है कि आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर होता है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर. ठीक है, कोई भी बॉन्ड ना परफेक्टली कोवेलेंट होता है ना परफेक्टली आयनिक. तो इसको निकालने का जो तरीका है वो डाइपोल मोमेंट की ही ट्रिक मिलेगी हमें. और क्या ट्रिक है वो? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको नोट करें. अगर हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड में, तो ऊपर रखेंगे ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, नीचे थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट, मल्टीप्लाई करेंगे 100. ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मिल सकता है, तो मतलब ये हमें एग्जाम में गिवन होगा, ये तो हम निकाल नहीं सकते. या बाकी चीजें दे दे तो निकाल लेंगे, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसको डिटरमाइन करने का. इसी फॉर्मूले से निकाल सकते थे, अदरवाइज गिवन होगा. थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट का मतलब समझा देता हूं मैं. जैसे मान लो HCl है, कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट. थियोरेटिकल मतलब इसको पूरी तरह से आयनिक मान लें, कंप्लीटली आयनिक, मतलब यहां पे प्लस वन का चार्ज, यहां पे माइनस वन, जैसे NaCl में होता है, यहां प्लस वन यहां माइनस वन. अगर इस पे प्लस वन और माइनस वन चार्ज हो जाए तो ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा. ऐसा होता नहीं है ना रियलिटी में. क्या होता है? H पे थोड़ा सा प्लस, Cl पे थोड़ा सा माइनस. ये प्लस माइनस जितना ज्यादा वन और माइनस वन के पास जाएगा उतना ज्यादा ये आयनिक बन जाएगा. तो नीचे हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली आयनिक मान लेते हैं कि पूरा आयनिक होता तो क्या, और ऊपर उसमें से जितना आयनिक है डिवाइड किया मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब नीचे जो डायपोल मोमेंट रखना है उसमें हम HCl को पूरी तरह से आयनिक मान लेंगे, मतलब इस पे प्लस वन, इस पे माइनस वन चार्ज, और फिर ये डिस्टेंस हमको एग्जाम में गिवन होगा. हम यहां से थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे चार्ज प्लस वन माइनस वन लेके, और जो डिस्टेंस दिया होगा उसको लेके, और ये हमें गिवन होगा. इससे कहानी बन जाएगी. फिर बात आती है कि यूनिट वगैरह क्या रखनी है. इस फॉर्मूले को याद रखो, थोड़ा सा मैं आपको यूनिट को लेकर कहानी समझा दूं कि यूनिट कैसे रखनी है हमको. नीचे समझ में आया क्या करना है? पूरी तरह से आयनिक मान लेंगे प्लस वन माइनस वन. अब देखो डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है क्यू इंटू डी चार्ज की. वैसे तो बहुत यूनिट्स हैं, पर यहां पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिलेगा. प्लस वन माइनस वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, इसके पास कम. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. पर इसको यहां हम मेजर करते हैं ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. नोट करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विच इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU. ये भी हमारी एक यूनिट है ESU.
अगर आपसे पूछे कितने कूलम में कितना ESU, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, इतना ESU बराबर 1 कूलम बराबर इतना कूलम, इससे आपको इन दोनों में रिलेशन मिल जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप पढ़ते थे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, उसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ये भी लिख सकते हैं, नोट करेंगे 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU। अब आते हैं डायपोल मोमेंट पे, फॉर्मूला है Q × D। तो Q को आप पकड़ो ESU में, D को आप पकड़ो सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको ESU में, इसको सेंटीमीटर में, डिवाइड कर दो 10⁻¹⁸ से। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा डिबाई में, किसमें आएगा डिबाई में, डिबाई इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। मैं जान रहा हूं काफी नई चीजें आई हैं, तो आप इसमें नोट्स जरूर बना लें कि डायपोल मोमेंट की जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो डिबाई है। कोई एसआई यूनिट पूछे तो चार्ज होता है कूलम में, डिस्टेंस होता है मीटर में। एसआई यूनिट में चार्ज कूलम में लो, डिस्टेंस मीटर में लो, तो यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। पर जो इसकी कॉमनली यूज यूनिट है, जो किताबों में दी है, जो ऑथर्स यूज करते हैं, जो लैब्स में यूज होती है, वो डिबाई है। तो आपसे पूछे डायपोल में कितना डिबाई है, तो कैसे निकालोगे, पहली बात चार्ज को कन्वर्ट करो ESU में 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU, डिस्टेंस को लो सेंटीमीटर में, उसके बाद डिवाइड कर दो 10⁻¹⁸ से। अब जो भी आंसर है वो डिबाई में आएगा। प्लीज नोट डाउन ऑल दिस, ये सब किस लिए कर रहे हैं हम, ये कैलकुलेट करने के लिए, थ्योरेटिकल ये गिवन होगा, ये निकालना होगा। तो चार्ज प्लस वन माइनस वन, प्लस वन की जगह 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU, ये चार्ज रखोगे। डिस्टेंस जो भी दिया होगा, बॉन्ड की लेंथ जो भी दी होगी, उसको आप सेंटीमीटर में रखोगे, फिर उस पूरे को 10⁻¹⁸ से डिवाइड कर दोगे, एंड द आंसर विल बी इन डिबाई। नोट कर लिया, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस पे हमें एक सवाल मिला है, सवाल क्या है, चलिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या मिला, हमें क्वेश्चन मिला ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl is 1.03 debye and HCl bond length is 1.275 angstrom. Calculate percentage of ionic character in HCl. Note the question. HCl का जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है ये दिया है 1.03 डिबाई, HCl की जो बॉन्ड लेंथ है 1.275 एंगस्ट्रॉम, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। ऊपर ऑब्जर्व रख दोगे, ठीक है ऑब्जर्व तो हमको पता है, गिवन है क्वेश्चन में 1.03 डिबाई, नीचे थ्योरेटिकल ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने लिया HCl, अब इसको तुम पूरी तरह से आयनिक मान लो नीचे, तो ये प्लस वन ये माइनस वन। अब डायपोल मोमेंट, थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट क्या होगा, Q × D। Q कितना है किसी एक पे भी, प्लस वन, प्लस वन मतलब प्लस वन इलेक्ट्रॉन, मतलब 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU। तो मैंने लिखा 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU। डिस्टेंस को याद हो किसमें रखना होता है, सेंटीमीटर, यहां एंगस्ट्रॉम में दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, सही है, 10⁻¹⁰ मीटर्स होता है एक एंगस्ट्रॉम, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। मतलब ये जो डी है डिस्टेंस HCl के बीच का जो डी है, इसको हम लिखेंगे 1.275 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, और डिवाइड कर दो 10⁻¹⁸ से, ताकि पूरा आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाए, डिवाइड में जिसमें ऑब्जर्व दिया। तो हम लिख सकते हैं 4.8 × 1.275 × 10⁻¹⁸ कितना हुआ, 10⁻¹⁸, यानी ये कैंसिल। सो दिस मच डिबाई विल बी द थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट। तो हमको थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट भी मिल गया, कितना है 4.8 × 1.275। मेथड समझ में आया, चार्ज को ESU में, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाई 10⁻¹⁸, आंसर डिबाई। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स आंसर 17% आता है। फेमस क्वेश्चन है, सब किताबों में दिया है। तो HCl के अंदर जो हमारा आयनिक कैरेक्टर है वो 17% है। अब इस तरह के क्वेश्चन और आपके पास HBr HF से रिलेटेड भी आएंगे, तो आप कर लोगे। चलिए देखते रहे वीडियोस को, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।